गुड मॉर्निंग। इधर देखो, गुड मॉर्निंग दक्षु। बोलो राम राम कुण बियाड़ो, क्या हाल है तारे? कहाँ छुपोगे? छुप जाओ। अरे कहाँ गया दक्षु? और आड़ो ऊपर के पंखा देखने लग रहे हो। राम राम कुंड बियाड़ो, क्या हाल है थारे? सब राजी खुशी। और आज है 10वां दिन। 10वें दिन में है तुमने सुबह जो एक्सरसाइज करनी है, थारा जी करे जो वो कर लो 1 घंटे ताई। और डाइट पर कंट्रोल रखना, मीठा बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और आज का जो सप्ताह एक सीख है वो है कि लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, कुछ ना कुछ नया सीखो। देखो मैं क्या करने लाग रहा हूं आज नया। तरशो पिया कहार, सब ठीक, सब खैरियत। आज हम करेंगे जिंदगी की कोनो ऐसी हसीन बातें जो जिंदगी में हमें कुछ सिखाए। तो पहले नहा लेते हैं, फिर करेंगे बातें। जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा तो ठंडा गरम कर लेना ही चाहिए। गरम आ गए नहा के। जिंदगी में स्ट्रगल इतना किए हैं, अभी भी चल ही रहा। अभी नहाने गए तो पानी गर्म से ठंडा करने का स्ट्रगल, फिर देखा तो साबुन एकदम पिर्रा गया है, इतना पतला कागज जैसा। ऐसे बदन पे लगाए तो सरसरा के नीचे गिर जाए। हमने क्या किया, कपड़ा धोने वाला साबुन है ही। पहले देखिए बाल अपना कैसे लग रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है जब लॉकडाउन लगा लगा था और हम भागे गांव, दुनिया भागे दिल्ली से गांव और हम भागे गांव से दिल्ली। कोनो कहीं ना कहीं तो जाना ही था, हम निकल लिए। अब हम दिल्ली पहली बार आए और ट्रेन से उतरे तो कोनों ने बोला मेट्रो ट्रेन से जाओ। हमने सोचा देख लेते हैं, भैया मेट्रो ट्रेन में क्या। हमारे पास 500 रुपये थे जब हम दिल्ली आए लॉकडाउन में, और तब दिल्ली वाले सब वहां चले गए। तो वहां चले गए तो हमने यहाँ पैसा कमाना शुरू किया, वो बाद में बताएंगे। तो मेट्रो में हम बैठे तो बैठ गेट सट से बंद। अब हमने सोचा भाई कौन रास्ते में सिस्टम विस्टम होगा, वो पान थूकना है तो खिड़की खोल सकेंगे, कोनो अगर वहां से निकलना है दूसरे बक्से में जाना है। हम पूरा मेट्रो में आगे तक चले गए, बाथरूम नहीं मिला। फिर क्या था, सबसे आगे वाले डब्बे में गए तो सारी औरत ही औरत। मैंने सोचा है दादा यहाँ कोई शादी शुदी का फंक्शन लग रहा है। ओ भगाए फिर पीछे लास्ट तक चले गए, वहां भी कोनो सिस्टम नहीं। और टिकट के नाम पे वो रुपये जैसा के कुछ प्लास्टिक का दे दिया। मैंने कहा बहुत लूट है दिल्ली में तो दादा। और फिर स्टेशन पे वो लड़की बोले अगला स्टेशन ये वाला है, अगला स्टेशन वो वाला है, और इंग्लिश में बोले तो आप समझ में आए क्योंकि MA इंग्लिश किए हैं हम। ऐसे निकलती है ना इंग्लिश बस देसी ठर्रे के बाद। अरे अपना परिचय देना तो भूल ही गए, रुकिए थोड़ा माहौल बनाते हैं, अभी परिचय देते हैं, रुकिए रुकिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो कोरोना में बिना मास्क के घूमे उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ दुबे नाम है हमारा। और
अगर हमारे बारे में जानना है तो हमसे ही पूछिएगा, कोई नहीं बता पाएगा। और तुम सोच रहे होगे वो भैया कहाँ है जो बोलते हैं कि हाल है कुंबे आलू, तो वो गए हैं बाहर। और हमने सोचा थोड़ा सा हम टसन मार लेते हैं, वो आने वाले होंगे, बहुत पीटेंगे, बाल देखना जबर लग रहा है। चलिए फिर वो निशे ही मिलिएगा। अयो रूस गया है, देख लो नु गया है, कुकू से बात करो नहीं और जा जिम जा पापा, ते ओड सारी इंगट देख लो तुम के टाइम आ। कहाँ जाऊँ? कहाँ पे? वहाँ पे कभी से बात करो नहीं। किससे बात नहीं करूँ? किससे बात नहीं करूँ? अच्छा बैठ जाऊँ इस पे और किससे बात नहीं करूँ? आई बस सो और मैंने हाउ वाला माइक हटा के दूसरा माइक लगाया क्योंकि उसके बाल अड्डे थे, कई वीडियो में आए थे, तो महंगा वाला माइक यूज करा है। और तक्षु वो उठा नहीं है, पर्ची लिखवानी थी कौन जीतेगा, तो हम जिम की तैयारी करें। आज करने हैं एब्स और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़े से इमोशंस आ जाएं, बाहर निकल जाएं, तो एब्स करने में आसानी होगी। और खा लूँ ये मिठाई की के ताई है माँ जिंदगी में जिंदगी में उसे दुख कम थे या फिर मिठाई आ गई जलेबी। तो इवन ही खानी है, इवन टाइम पूरा नहीं हुआ है, दसवा दिन आज। तो अपने द्वारा तैयार है पांच पर्ची, अब तक तो उठा नहीं है, कहीं बचा ले जिम और उल्टे आ गए, देखे किसका नाम आवा। तक सुना आज यो याडे ते फोन तोड़ दिया, वैसे फेंक के तो रोज वो, पर आज इसका था नींद आ रही है। आज अपनी जिंदगी की एक बात बताऊं, तारी गल शेयर करूं, क्योंकि तुम कुण ब्याड़े हो। जब मैंने घर की दिक्कत की वजह से सेवेंथ क्लास में स्कूल छोड़ा था, तो मेरे आसपास जो मेरे दोस्त थे, कुछ की मम्मियाँ ने उनते मेरी गैल खेलने तो मना कर दी थी, क्योंकि मैं स्कूल ना जाऊँ था और वे मेरी गैल लुक के खेला करते या ना खेला करते। ईब दो चार महीने पहला उनमें थे एक की मम्मी मेरे तो नहीं बोली बेटा उस तीन नौकरी देख दे। तो उस दिन मतलब जो स्ट्रगल की वापसी हो ना, मतलब जो इनाम हो है, वो उस दिन मैंने ऐसा फील होया कि इसी स्टडी तो बढ़िया था कि मैंने ओपन तो करी। और जिंदगी जो है सब कुछ स्टडी ना होती,
प्रैक्टिकली भी तुमने लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसी मेरी जिंदगी की बहुत सारी बात है जो मैं शेयर करूँगा तो मोटिवेशन मिलेगी। तो आज तक ये बात बहुत है ना, तो कई घंटे की वीडियो हो जाएगी। और चलो ये चल रहे हैं जिम और करेंगे एब्स साइड्स और कार्डियो और फिर घर आ जाकर पर्ची काट देंगे कौन जीता। चलो बाय। प्री वर्कआउट लेते हैं तो ये छोरा टट्टी करने जाएगा। बस कटा लेना अब दिखा तो दे। अरे भाई बड़ा सुंदर आ रहा है तू। फिर से दवाई घोल ली। अपनी दवाई दिखाओ ना भाई। मैं प्री वर्कआउट ना लेता मैं। अरे यार मैं बस अंडे और केले खाता हूं। ना 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 मैं ग्रीन टी पी के वर्कआउट कर रहा हूं। ग्रीन टी पी के मैंने इतने 18 इंच के बना लिया। अब एक जाओगे ना तू टट्टी करने सही से। आप जाते हो ये अपनी झूठ एब्स करने क्वालिटी पाओगे ये तो। Time's out. और ये बॉडी चेक करेंगे 21वें दिन। चलो ये बरा चल तक्षु आप ये इसमें से ना एक एक पर्ची उठाना। ये लो 1 2 3 उठाओ लाओ दो पापा को। देखो भाई किसकी किस्मत खुलेगी। बस यही चाहिए थी। और यो है सिंपल आगे का वो सरनेम में फिर डंगतना लेऊंगा तो नहीं कहोगे डंगतना लिया। तो ये उठाई है तक्षु ने। तक्षु चलो फिर आज का दिन भी खत्म हो गया और कल मिलेंगे। कल है 11वां दिन और प्यार दिखाते रहो उन प्यारे हो मोहब्बत बे इंतहा दिखाओ। और फिर आज जो सिखाया वो सीखो और कमेंट करते रहो कमेंट करते रहो। चलिए भैया फिर चलते हैं। टाटा बाय बाय सी यू। Congratulations, winner!